दवाएं ठीक नहीं कर सकती। कामयाबी के लिए ये भी जरूरी होता है कि वो लोग नशा छोड़ने के लिए भी दवाओं के साथ साथ अपनी विल पावर भी। मैंने क्या कर दिया? सारी दुनिया ही जीत ली। ड्रामे में अब जूही का अंजाम बाकी है। जूही के साथ तो बहुत बुरा होने वाला है। जूही के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, जिसने सबकी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, शफक की ज़िंदगी तबाह कर दी। दुर्योधन को भी घर से निकलवाने की पूरी कोशिश की। अब वो खुद ही अपने घर से निकल जाएगी। कलीम उसे तलाक देकर घर से निकाल देगा और सबको बताएगा कि मेरे निकाह में होते हुए इसके लड़कों के साथ कैसे तल्लुकात थे। तब कोई भी जूही पर यकीन नहीं करेगा। सब लोग जूही को गलत समझेंगे। तब जूही की अकल ठिकाने आएगी। तब उसकी माँ भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाएगी। उधर सुंबल को भी इस बात का एहसास हो गया है कि अदन कितनी अच्छी है। अब तबरेज़ ने भी इस बात को महसूस कर लिया है कि अदन का दिल कितना बड़ा है। उसने सुंबल को माफ़ करके ना सिर्फ उसे संभाला है, बल्कि उसकी बेटी को भी अपनी बेटी तस्लीम कर लिया है, उसे पालना शुरू कर दिया है। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है और जूही की एक्टिंग कैसी लग रही है, और कौन कौन चाहता है कि जूही के साथ बहुत ही बुरा होना चाहिए? कमेंट करके अपने राय का इजहार लाजमी करें। मज़ीद ड्रामा प्रोमोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। शुक्रिया।